मंजिल यदि मिल गई तो मंजिल के आगे तलाश कर। तो अभी मंजिल नजदीक है, 2 साल की। मंजिल यदि मिल गई तो मंजिल के आगे तलाश कर, दरिया मिल गया तो समुंदर पार कर। तो अभी समुद्र पार करने की अभिलाषा है 2 साल के बाद, जब तक ठहरने का नहीं है। तो मैं पूरी दिल्ली टीम को और विशेष तौर पर ज्योति प्रकाश जी, प्रज्ञा रश्मि जी, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ, पुण्य अनुमोदन करता हूँ। और आज का जो विषय है, चेता विकास ध्यान साधना, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैं आपके सामने विनय चेतधम, जो 5 विनय चेतधम्म है, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। जो असंग ने योगाचारा में चित्त की 51 अवस्था बताई है, तो उसमें ही 5 विनय चेतधम्म है। और ये 5 विनय चेतधम्म अपने ध्यान साधना के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके बगैर अपन ध्यान साधना अच्छी तरह से कर नहीं सकते। तो ध्यान साधना की नींव है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। विनय चेत धर्म जो भी व्यक्ति धारण करता है, उसके जीवन में सुख निर्माण होता है। ये 5 विनय चेत धर्म है। उसमें का पहला है छंद, दूसरा है अधिमोक्ष, तीसरा है स्मृति, चौथा है समाधि और पांचवा है प्रज्ञा। जो ये 5 चेतधम्म जो भी धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में परम सुख निर्माण होता है। क्योंकि हमारे जो छंद है भौतिक जीवन में, जो भी लोग हैं उनके छंद कैसे हैं, निम्न स्तर के हैं, निम्न दर्जा के हैं। जैसा कोई से छंद है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, मोटरसाइकिल बाइक चलाना, ये जो छंद है बहुत ही निम्न स्तर के हैं। जैसा कि किसी माँ ने उनके बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, तो ऐसा आपने सुना है, उस लड़के ने आत्महत्या कर दी। और दूसरा जो तरुण है, अपने पिताजी को बाइक मांगता है, 2 व्हीलर मांगता है, और यदि नहीं दी तो उसने आत्महत्या कर दी है। तो अपना जो छंद है उच्च ध्येय की तरफ पढ़ सकता है, तो ऐसा छंद अपना चाहिए। जैसा राम जी पिताजी का उदाहरण ले सकते हैं, राम जी पिताजी ने भीमराव के सामने रामायण महाभारत कबीर के दोहे पढ़े बगैर उनको खाना भी नहीं देते थे, और वही छंद उनके जीवन में लग गया था बचपन से। सब रामायण महाभारत और कबीर के दोहे उनको मुखोद्गत थे। ऐसा बढ़िया छंद अपने जीवन में चाहिए। 1920 में बाबा साहब, 29 उनकी उम्र थी 1920 में, तो सामाजिक कार्य की शुरुआत की थी उन्होंने। ये उनका छंद था। राजगृह के पास जो भी
आजू बाजू की बस्ती थी वहां पे जाके शिक्षा के ऊपर प्रवचन देते थे, या मिथ्या धारणा मिथ्या दृष्टि के ऊपर वो चर्चा करते थे, भाषण देते थे, प्रवचन देते थे दादर के बाजू के बस्ती में जाके। ये ऐसा छंद, सकारात्मक छंद चाहिए। जैसा सिद्धार्थ का मिसाल ले सकते अपन, उनके उम्र 29 ईयर में 29वें साल में उन्होंने ग्रह त्याग किया। क्यों ग्रह त्याग किया? सत्य की शोध में, ये उनका छंद था, सत्य का शोध लगाना। ऐसा बहुत बढ़िया छंद व्यक्ति के जीवन में चाहिए। निम्न स्तर का छंद नहीं चाहिए। जैसा धन कमाना, जैसा नौकरी करना, ये सब निम्न स्तर के भौतिक जीवन के छंद है। लेकिन जो उच्च स्तर के छंद होते हैं, वो ध्यान साधना का छंद होता है, धम्म अभ्यास का छंद होता है, धम्म का छंद होता है इसे, यानी उच्चतम लेवल का छंद बोलते हैं। ऐसा एक धम्म पद में कहते हैं, मत्ता सुख परिचगा, मत्ता सुख परिचगा पशे विपुल सुख, चजे मता सुख धीरो धीरो संपस विपुल सुख। ये भौतिक जीवन में जो सुख मिलता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो सुख मिलता है वो विपुल सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति क्या करता है, ये भौतिक जीवन का थोड़ा सा सुख का त्याग करके आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में परम सुख मिलता है, तो इसीलिए अपने को आध्यात्मिक जीवन का छंद चाहिए कि जो अपने को महानतम, जिंदगी में महानतम बनाते हैं। ऐसे छंद, छंद तो कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। जैसा कुशल छंद है ध्यान साधना करना, और ध्यान करते वक्त जब आलस आता है तो चित्त नहीं लगता ध्यान में, और कोई एक व्यक्ति उसके पास आ गया और उसको बोला, बोल दिया कि भाई चल पिक्चर देखने की जाएंगे, तो जल्दी से उसके मन में छंद निर्माण होता है पिक्चर देखने का, और उधर चला जाता है वो पिक्चर देखने के। सिद्धार्थ ने उम्र के 29 साल के 6 साल के बाद सत्य का शोध लगाया। इस संसार में दुख है, और दुख के ऊपर उन्होंने इलाज, उसका खोज लगाया। तो ऐसा छंद आपने कुछ जीवन में महानतम बना सकता है। ये भौतिक जीवन के जो तरुण है ना, वो तीन बातों में अपना समय बिताते हैं। पहला समय छंद रहता है उनका मूवी देखना, सिनेमा देखना, और दूसरा छंद होता है यूथ रास्ते पे निकल आते हैं। जैसा अभी फिलहाल देख सकते हो, पूरे समूचे भारत देश में रास्ते पे तरुण निकल के आए। सभी ट्रेन बंद कर दी है, 200 ट्रेन भारत सरकार ने बंद कर दी। अभी 23 को हमको लद्दाख को, लेह को जाना था, वो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं है, इस बारे में चिंता लगी है। तो ऐसा यूथ रास्ते पे आके जो राष्ट्र की संपत्ति है उसका नुकसान करते हैं, उसमें समय गंवाते हैं। और तीसरा है, उनको पैसा कहाँ खर्च करना इसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे हमारे छंद, बाबा साहब जी का उदाहरण ले सकते हैं। बाबा साहब ने जो भी पैसा था उनके पास किताबें खरीद, इतने ज्यादा किताबें, 45,000, 45,000 किताबें राजगृह में थी। रतन टाटा जब उनको किताबें मांगते हैं तो बाबा साहब कहते हैं, तुम तो मेरा दिल मांग रहे हो,
तो हमारा छंद क्या होना चाहिए धम्म भाई और बहनों? हमारा छंद होना चाहिए, धम्म छंद होना चाहिए, हमारा छंद ध्यान साधना होना चाहिए और हमारा छंद धम्म अभ्यास होना चाहिए। ये पहला विनय चेत धर्म है। अभी दूसरा विनय चेत धर्म देखेंगे, अधिमोक्ष। ये अपने चित्त में यदि छंद है तो अधिमोक्ष मजबूत बनता है। हम पढ़ाई का संकल्प करते हैं लेकिन पूरा संकल्प नहीं करते हैं, अपना चित्त इधर उधर भटकता है, मन में बिखराव आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिमोक्ष किया, इसीलिए उन्होंने 18-18 घंटे वो अभ्यास करते थे। हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जैसा बाबा साहब जी ने बड़ौदा पे नौकरी करते वक्त, वहां पे नौकरी करते वक्त उनको अपमानित कर दिया गया, तो वहां से वो सयाजीराव गायकवाड़ के गार्डन में गए। उस गार्डन में एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर बहुत रोए और वहां पे उन्होंने अधिमोक्ष किया, संकल्प किया कि मैं मेरे समाज की सेवा यदि नहीं कर सकूंगा तो मैं खुद को गोली मार दूंगा, गोली मार के ठार मारूंगा। तो ऐसा उन्होंने अधिमोक्ष किया। तो सुबुद्धि जी ने वहां पे उस सयाजीराव गार्डन के गार्डन में एक कार्यक्रम लिया और उस कार्यक्रम में अमोक दर्शिनी ने उस कार्यक्रम को, उस स्थल को नाम दिया संकल्प भूमि। तो ऐसी वो संकल्प भूमि बन गई है। 1935 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संकल्प किया, अधिमोक्ष किया। कौन सा अधिमोक्ष किया? मेरा जन्म यदि हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ऐसा अधिमोक्ष कर दिया उन्होंने। ऐसे महानतम अधिमोक्ष अपन करना चाहिए। क्या हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं? भाई जब पढ़ाई कर रहा था, एमए अंग्रेजी के लास्ट ईयर में था, सिर्फ एमए अंग्रेजी की फाइनल परीक्षा 3 महीने थी आगे, तो मैंने अधिमोक्ष किया, संकल्प किया अपन क्यों मेरिट में आना नहीं चाहिए। तो इतना अभ्यास किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी पीपल्स कॉलेज में वहां पे बैठ के, और 3 महीने के बाद जब रिजल्ट लगा तो मेरिट फर्स्ट आ गए 10 जिले में एमए अंग्रेजी। तो ऐसा संकल्प करना चाहिए। 1999 में मैंने संकल्प किया कि अपनी जो जमीन है वो दान देने। मेरे 3 भाई ने, मैं और मेरे 2 भाई, ऐसा 3-3 एकड़ 9 एकड़ जमीन दान दी और वहां पे उर्गेन संरक्षिता ध्यान भावना केंद्र बनाया। अभी 350 लोगों की वहां पे रहने की अरेंजमेंट है। ऐसा जागतिक दर्जा का इंटरनेशनल केंद्र बन गया है। देखो, यानी अधिमोक्ष किया तो ऐसा अपन जीवन में जो महानतम कर्तव्य कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो इसलिए अधिमोक्ष करना चाहिए। हम हर पल खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरे मन में छंद है, क्या मेरे मन में अधिमोक्ष है। ऐसा हर पल ध्यान साधना करते वक्त खुद को प्रश्न पूछना चाहिए। ध्यान में यशस्वी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अपने मन में छंद नहीं होता है और अधिमोक्ष नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान में अपन सक्सेस नहीं होते, यशस्वी नहीं होते। धम्मपद में ऐसा कहते हैं, उठान वतो सती मतो सुचिकमस निशम कारिणो संयतस धम्म जीवनो अपमदस येसो भी वर्ती। यानी जो जागृति पूर्वक नींद से उठता है वो प्रत्येक कर्म जागृति पूर्वक करता है, अपना धम्म कार्य भी बहुत ही जागृति पूर्वक करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत यश प्राप्त होता है, महानतम यश वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अपन छंद और अधिमोक्ष करना चाहिए। अभी तीसरा जो विनय चेत धर्म है, स्मृति। तो छंद और अधिष्ठान को इकट्ठा करने के लिए स्मृति मदद करती है। हम बार बार भूल जाते हैं, जैसा कि अपन उदाहरण लीजिए, जब बाहर से अपन घर के अंदर आते हैं और चाबी, बाइक की चाबी रखते हैं और कहाँ पे रख दिए, बाहर जाते वक्त याद नहीं आती,
इधर उधर ढूंढते हैं, बहुत सारा वाद विवाद होता है, कहाँ है चाबी वगैरह वगैरह, ऐसे अपन भूल जाते हैं। इसलिए अपनी स्मृति अपने को मदद करती है। जैसा भंते उर्गेन संरक्षित जी ने इस स्मृति के चार प्रकार बताए। पहला प्रकार है वस्तु मात्र की स्मृति, खुद के बारे में जागृति, तीसरा है औरों के बारे में जागृति, और चौथा है सत्यता के प्रति जागरूक। तो उच्च ध्येय प्राप्ति के लिए समर्पित होने के लिए ये चार स्मृति बहुत मदद करती, ऐसा भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं। इसलिए उन्होंने ये चार स्मृति के प्रकार बताया है, यानी वस्तु मात्र के प्रति स्मृति, खुद के प्रति स्मृति, औरों के प्रति स्मृति, और सत्यता के प्रति स्मृति मान रहना चाहिए। बाबा साहब जी ने 8 साल का जो अभ्यासक्रम है वो 3 साल में कंप्लीट किया है, तो बाबा साहब कितने समृद्धिमान होंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद इंग्लैंड में गया था 2016 में, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पे बाबा साहब का स्टैचू वहां उस कॉलेज में लगा है, बहुत बड़ा स्टैचू। और उन्होंने जो भी आंसर लिखे हैं उत्तर पत्रिका पे, वो उत्तर पत्रिका वो दीवार पे ऐसा रखे हैं सभी लोगों को देखने के लिए, और वो हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, उसका मिसाल लेने के लिए वहाँ पे उस कॉलेज के दीवार पर उन्होंने जो आंसर लिखे वो वहाँ पे रखे है। तो ऐसा ये स्मृतिमान होने से महानतम व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब एक बार सफर कर रहे थे, और सफर करते वक्त उनको प्यास लगी, तो उनके साथीदार को कहा पानी लाइए, तो वो गए और उन्होंने ताड़ी लाए, तो बाबा साहब कहते हैं मैं नहीं पीऊंगा, इसको स्पर्श भी नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है मैंने यदि ये ताड़ी पी तो मेरे समाज के लोग दारू पिएंगे। इसलिए बाबा साहब जी यानी प्यासे रहे, और उन्होंने वैसा ही आगे का सफर किया, यानी कितने समृद्धिमान बाबा साहब थे समाज के प्रति, इसका मिसाल अपने सामने आता है। एक बार प्रके आत्रे उनको मिलने के लिए आए राजगृह में, और वो बहुत बड़े पत्रकार थे, वो बाबा साहब के आलोचक थे, और उनको कुछ किताब के संदर्भ चाहिए थे, कुछ मालूमात चाहिए थी। तो उनको मिलने के आने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे ये संदर्भ चाहिए किताब का, तो बाबा साहब कहते हैं यहाँ से दूसरे मजले पे जाओ, और वहाँ पे एक फलाने कपाट में एक किताब है, वो किताब के अंदर के 110 पेज पे वो रेफरेंस है, वो लाइए। तो ये देखने के बाद प्रहलाद केशव आत्रे प्रके आत्रे इतने यानी अचरज हो गए, क्या कितने स्मृतिमान बाबा साहब है, और उस दिन से बाबा साहब के वो स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, क्योंकि इतने महान बाबा साहब स्मृतिमान थे। क्योंकि उस दादर के राजगृह के लाइब्रेरी में ग्रंथालय में 45,000 किताबें थी, और उस किताब में हर किताब में क्या लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है, इनकी उनको बाबा साहब को पूरी जानकारी थी, इतने बाबा साहब यानी स्मृतिमान थे। और ख्याल में रखने के लिए अपनी स्मृति का अपने को मदद होती है, और अपना चित्त जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा लाने के लिए स्मृति की मदद हो सकती है। ऐसा कहते हैं धम्मपद में, मगान अठितो शेट्टो सच्चान चतुरे पदा विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस चक्षुमा, यानी आर्याष्टांगिक मार्ग मार्ग में मार्ग आर्याष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, चार आर्य सत्य में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, और विरागता धम्मम में विरागी मानो ये श्रेष्ठ है, और पूरे जगत में द्वी दानस चकुमा पूरे जगत में भगवान बुद्ध सबसे श्रेष्ठ मानव है। तो ये सबसे श्रेष्ठ मानव क्यों बन गए भगवान बुद्ध सिद्धार्थ क्यों बन गए, क्योंकि उनके पास छंद था, उनके पास आदिमोक्ष था, और उनके पास स्मृति थी। और चौथा विनय चित्त धर्म है समाधि। यदि अपने अपने पास छंद है, अधिमोक्ष है और स्मृति है, तो अपन समाधि में जा सकते हैं। समाधि यानी एकाग्रता, तल्लीनता, अपना मन और विषय एकजुट
एक जीव हो जाते हैं उसको समाधि कहते हैं। एक ही विषय पर अपना मन एकाग्र करना इतना ही समाधि का अर्थ नहीं है। तो अपने को जहां चाहे वहां पर चित्त एकाग्र करना यह समाधि का अर्थ है। मन और उसका विषय एक दूसरे के इतने चित्त करीब आते हैं कि एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन बिखरे हुए चित्त को एकत्रित करते हैं। जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक रखती है समाधि। समाधि नई चीजों को निर्माण करती है। कैसी नई चीजों के निर्माण करती है? समाधि की अवस्था से ही भगवान बुद्ध ने दुख के ऊपर इलाज निर्माण किया। पूरे जगत के ऊपर, पूरे जगत में जो दुखी मानव है उनको सुख का रास्ता का उन्होंने खोज किया। ये समाधि की वजह से हो गया है। तो बाबा साहब जब अभ्यास करते थे इतनी समाधि के अवस्था में जाते थे, एकाग्रता के अवस्था में। शाम को जब वो लिख रहे थे तो 7-8 बज गए होंगे, तो उनके सचिव नानक चंद रतुजी को कहते हैं आप तो घर में जा। वो घर को चले जाते हैं रात के 8 बजे और सुबह के 8 बजे वापिस आते हैं, तो भी बाबा साहब उसी एकाग्रता अवस्था में लिखते रहते। और फिर बाद में अचानक उनका ख्याल रत्तू की तरफ गया, तो नानक चंद रत्तू जी को कहते और तो अभी तक घर को गया नहीं है क्या? तो बोलता है साहब मैं रात को 8 बजे घर को जाकर नींद लेकर और सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ। तब बाबा साहब को पता चला कि सुबह के 8 बजे। तो इतने समाधि जी के अवस्था में बाबा साहब जी रहते थे। और पांचवा जो चेत धम्म है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा यानी जानना, अस्तित्व का सत्य दर्शन, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा अपने को मार्ग से भटकने नहीं देती है, इसलिए प्रज्ञा चाहिए। और प्रज्ञा के साथ में अपने साथ शील भी चाहिए। और प्रज्ञावान व्यक्ति के पास यदि शील है तो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा ये दुधारी तलवार के जैसी है। प्रज्ञावान व्यक्ति के पास वो तलवार यदि है और शील यदि उसके पास है तो वो शील से दूसरे का वो जान बचा सकता है। और प्रज्ञावान व्यक्ति है और उसके पास शील नहीं है तो उस तलवार से दूसरे का खून कर सकता है, दूसरे को ठार मार सकता है। इसलिए जो भी प्रज्ञावान व्यक्ति है उसके पास शील की बहुत जरूरत है। और बाबा साहब कहते हैं मेरी प्रशंसा लोग क्यों करते हैं, मेरी स्तुति क्यों लोग करते हैं? मैंने संविधान लिखा बल्कि नहीं है, मैंने धम्म का खोज किया इसलिए नहीं है, तो मैं शीलवान हूँ इसलिए मेरी प्रशंसा मेरी स्तुति समूचे भारत के लोग कहते हैं, ऐसा बाबा साहब जी कहते हैं। जैसा 1916 में बाबा साहब जी ने कास्ट इन इंडिया ये किताब लिखा और उस साल बाबा साहब की उम्र सिर्फ 25 साल थी। और उस सेमिनार था, उस सेमिनार में उन्होंने कास्ट इन इंडिया ये वहां पे निबंध रखा। और उस वहां पर भारत के जाने माने शास्त्री डॉक्टर केतकर थे, ऐसे विचारवंत का विचारों का खंडन किया बाबा साहब। बाबा साहब ने उस सेमिनार में कहा कि ये जो भारत में जो जाति व्यवस्था है ये मानसिक की उपज है, मानसिकता के उपज है। और ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मण लोगों को उत्पत्ति है। और ऐसा उन्होंने डायरेक्ट वहां पे उस सेमिनार में कहा। तो इतने बाबा साहब 25वें साल में इतने प्रज्ञावान थे। विद्वान व्यक्ति यदि शीलवान है तो पूरे जगत में उसकी पूजा की जाती है। और प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है, एक श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। तो भावनामय प्रज्ञा बहुत मायने रखती है और उसी से व्यक्ति महानतम बन सकते हैं। प्रज्ञा से अस्तित्व का सत्य दर्शन होता है। जैसा धम्मपद में कहा है उत्तमति धनमति इति बालो भूयति अत्ता ही अंतो न थी कुत्तो पुत्ता कुत्तो धन। तो ये जो अपने पुत्र है और अपना धन है ये अपना नहीं है, क्योंकि क्या है सभी इस जगत के भौतिक जगत में रहने वाले लोग इसके बारे में कहते हैं पिता धन मेरा है, संपत्ति
संपत्ति मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, लेकिन ये अपने नहीं है, क्योंकि अपना शरीर तक अपना नहीं है, तो कहाँ का पुत्र और कहाँ का धन। ये सच्चा दर्शन, अस्तित्व का सच्चा दर्शन अपने को प्रज्ञा से होता है। इसीलिए अपने को ये जो पांच बिंदु चेत धर्म है, इसका अपने जिंदगी में, अपने जीवन में हर पल ध्यान साधना करते वक्त इस्तेमाल करना है। पहला जो विनय चेत धर्म है छंद है, और दूसरा है अधिमोक्ष, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि और पांचवा प्रज्ञा। ये ध्यान साधना करते वक्त ये पांच विनय चेत धर्म का यदि अपन पालन किए, अनुपालन किए, तो अपन महानतम इंसान इस जगत में बन सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, बंटी उर्गेन संगरक्षित जी और भगवान बुद्ध के जैसे बन सकते हैं। इसीलिए ये पांच विनय चेत धर्म अपने जीवन में बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जाहिनो सातत्विका नीच दृढ़ परोक्तमा सुसंति धीरा निपान योगक्षेमा अनुतरो। इसलिए अपने को निरंतर ध्यान साधना करना चाहिए, सातत्य से ध्यान साधना करना चाहिए। भगवान बुद्ध ऐसा करते हैं, कहते हैं जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं वो इंसान बहुत पराक्रमी होते हैं, और वही बुद्धत्व तो प्राप्त कर सकते हैं, वही निर्वाण निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने को बुद्धत्व तो प्राप्ति के लिए ये पांच विनय चेत धर्म का निरंतर अपने जीवन में अनुपालन करना है, तो अपन अपना जो ध्येय है बुद्धत्व तो प्राप्त करने का वो साध्य कर सकते हैं। अब एक छोटी सी मैं स्टोरी बोलूंगा 2-3 मिनट की, और बाद में मैं यहाँ पे मेरे वाणी को विराम दूंगा। एक हिरण है, जो हिरण जिसकी रफ्तार चलने की रनिंग की रफ्तार 90 किलोमीटर है, हर घंटा प्रति घंटा 90 किलोमीटर हिरण दौड़ती है, और जो टाइगर है उसको बाघ कहते हैं, उसकी दौड़ने की रफ्तार हर घंटा प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। और फिर इनमें दौड़ लग गई तो हिरन दौड़ने लगी, क्योंकि 90 किलोमीटर सबसे आगे थी और टाइगर उसका पीछा करता था। लेकिन वो हिरन हर बार पीछे मुड़कर देखती थी, वो टाइगर आ रहा है क्या, मुझे पकड़ लेगा क्या, हर पल वो ऐसी पीछे देखती थी, और इसलिए उसकी दौड़ने की रफ्तार कम हो गई। और जो टाइगर था वो निरंतर दौड़ता था और उसने उस हिरण को पकड़ लिया। तो इसलिए मेरे धम्म भाई और बंधु, कि अपने को उस टाइगर के जैसा आत्मविश्वास चाहिए। यदि आत्मविश्वास चाहिए तो ये पांच विनय चेत धर्म ध्यान के वक्त इस्तेमाल करना है, तो अपने हृदय में आत्मविश्वास निर्माण हो सकता है, और जिंदगी में जो चाहे वो अपन प्राप्त कर सकते। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने बहुत ही शांत तरीके से मुझे सुन लिया, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्म मित्र,